स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। टुडेज अवर टॉपिक इज क्लास 11th फिजिक्स इंग्लिश मीडियम एंड चैप्टर इज वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क एनर्जी एंड पावर का फर्स्ट पार्ट आपने देखा और उसमें हमने वर्क पर डिटेल डिस्कस किया। आज हम पढ़ेंगे एनर्जी। व्हाट इज एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी के जितने टाइप्स हैं, कंप्लीट एनर्जी पर ही बेस्ड हमारा आज का लेक्चर होगा। तो देखिए, नाउ स्टार्ट कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी। व्हाट इज एनर्जी? द एफिशिएंसी ऑफ डूइंग वर्क इज एनर्जी। हमारी जो वर्क करने की इफिशियंसी है, क्षमता जिसको बोलते हैं हिंदी में, द एफिशिएंसी ऑफ डूइंग वर्क इज एनर्जी। आप पूरे यूनिवर्स, पूरे गैलेक्सी में जो कुछ भी देख रहे हो, वो अकॉर्डिंग टू फिजिक्स कम्प्लीटली फॉर्म ऑफ एनर्जी, विच इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। अवर टोटल गैलेक्सी, हमारा जो पूरा गैलेक्सी है, वो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन पर ही बेस्ड है। इस तरह से आप जो कुछ भी देख रहे हो, सब एनर्जी के फॉर्म है। जो भी वर्क हो रहा है, जो भी आप नेचर में चेंज देख रहे हो, सब एनर्जी के फॉर्म है। तो एनर्जी के बहुत से टाइप्स होते हैं। बेसिकली इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप्स है, मैं कुछ एनर्जी के टाइप्स पर, वैसे तो हमको इस क्लास में मैकेनिकल एनर्जी ही पढ़ना है, लेकिन मैं कुछ एनर्जी पर बात करूं यहाँ पर, तो सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जी होता है मैकेनिकल एनर्जी। हीट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी। न्यूक्लियर, सोलर एंड सो ऑन। वी हैव मेनी टाइप्स ऑफ एनर्जी। बहुत तरह के हमारे पास एनर्जी हैं और हम हायर क्लास में एक एक करके एक एक एनर्जी को पढ़ते जाते हैं, लेकिन इस क्लास में जो हमको एनर्जी पढ़ना है वो है मैकेनिकल एनर्जी। हमारा 11th क्लास के सिलेबस में जो एनर्जी का टाइप्स है वो मैकेनिकल एनर्जी है। एंड वी हैव टू टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। फर्स्ट इज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी एंड सेकंड इज काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी दैट मीन्स ड्यू टू रेस्ट कंडीशन ऑफ द बॉडी। कोई बॉडी रेस्ट कंडीशन में है, उसमें कोई मोशन नहीं हो रहा है, तो उसमें जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी है। एंड ड्यू टू मोशन ऑफ द बॉडी द एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी। यदि किसी बॉडी पर मोशन हो रहा है, वह मूविंग कंडीशन में हो, तो उस पर जो एनर्जी है वो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है। अब देखो, हम पोटेंशियल एनर्जी पर, सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी पर हम डिस्कस करें, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, अब हम कंप्लीटली डिस्कस कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटी। देखो, यदि हम किसी भी बॉडी को अर्थ के सरफेस से, ये अर्थ का सरफेस है, और इस अर्थ के सरफेस से सपोज हमने किसी बॉडी को अपवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया, यहां पर हम लेके गए, यहां पर हम बात कर रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो इस बॉडी का मास सपोज स्मॉल m है और इसको हम ग्राउंड से h हाइट ऊपर लेके गए, तो ऊपर लेके जाने पर इसमें जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस पर फोर्स लगेगा, वो बॉडी का वेट होगा, और इसको बैलेंस करने के लिए हमने जो फोर्स लगाया अपवर्ड ले जाने के लिए, वो क्या है, f, एंड h इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। दैट मीन्स इन दैट कंडीशन द अमाउंट ऑफ डूइंग वर्क w इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हाइट है यहां पर, दैट इंप्लाइज W इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू mg, वेट ऑफ द बॉडी, एंड W इक्वल टू mgh। देयरफॉर इस कंडीशन में हम इस वर्क को क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। मतलब एक्चुअल में जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वह mgh के इक्वल होता है। हियर h इज द
height of the body from ground and m is mass of the body and g is gravitational acceleration. तो किसी भी बॉडी के मास, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और उसके हाइट का जो प्रोडक्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं. क्लियर. इसके बाद हमको देखना है काइनेटिक एनर्जी. नाउ सेकंड इज काइनेटिक एनर्जी. Kinetic energy, that means motion of the body. The energy due to motion of the body is kinetic energy. Suppose कोई body क्या है, moving condition में है, motion condition में है, तो उस पर जो energy होगा उसको हम kinetic energy कहेंगे. यहाँ पर हम calculate करते हैं kinetic energy के लिए formula. Suppose किसी body का mass हमने यहाँ consider कर लिया, mass m है, उसका initial velocity suppose v है, after t time its displacement is suppose d, acceleration or retardation is a, and final velocity is zero, applied force is suppose f, amount of doing work is w, and so on. ये सब क्या करेंगे, अपन variables को suppose कर लेंगे. ठीक है, mass consider कर लेंगे, पूरे variables को अपन consider कर लेंगे. let us consider, ये हमने consider कर लिया ये values. therefore by third equation of motion, सबसे पहले इसमें लगाओ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस. देयरफॉर इनिशियल वेलोसिटी इज वी एंड फाइनल वेलोसिटी इज जीरो. हमने सपोज किया कि वो बॉडी ब्रेक अप्लाई करने से रेस्ट में आ गया. इनिशियली उसका जो वेलोसिटी था, ये ध्यान रखना, इनिशियली इट्स वेलोसिटी इज वी, बट आफ्टर टी टाइम इफ its velocity will be zero, that means final velocity is zero. तो final velocity को हमने इस केस में क्या लिया है, zero लिया है, ये zero हो गया. that is initial velocity is v square, retardation हो रहा है क्योंकि body को हम rest में ला रहे हैं, तो acceleration नहीं retardation हो रहा है, तो minus sign use करेंगे 2a, and suppose displacement is d, therefore v square equal to 2ad. बहुत easy formula है एक्चुअल में, वर्क एनर्जी इन फार्मूला बहुत इजी चैप्टर है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं उनका बहुत स्टैंडर्ड है. न्यूमेरिकल्स टॉपिक जब मैं आपको कराऊंगा तो उसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो बहुत अच्छे हैं. तो ये रिलेशन नंबर फर्स्ट हो गया, दिस इज द वैल्यू ऑफ वी स्क्वायर. ये हमने क्यों निकाला है, देखो अब यहाँ से हम निकालें देयरफॉर अमाउंट ऑफ डूइंग वर्क. अब हमने उस बॉडी को रेस्ट में लाने के लिए कितना वर्क किया, तो वर्क इक्वल टू क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. दैट इक्वल टू, फोर्स को लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. दैट इंप्लाइज यहां से क्या करो, इसको रिलेशन नंबर फर्स्ट मत दो, यहां से हम ए डी का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. सपोज दैट इंप्लाइज यहां से वैल्यू फाइंड करो ए डी का, इसे आसान हो जाएगा. ए डी इक्वल टू हो जाएगा 1/2 v स्क्वायर. दिस इज सपोज रिलेशन नंबर फर्स्ट. ये जो ad का वैल्यू हमने निकाला है, उस ad के वैल्यू को यहाँ पर पुट अप कर देते हैं. क्लियर, ये जो वैल्यू है ad का यहाँ पर ला के पुट अप कर देते हैं फ्रॉम फर्स्ट. तो क्या इक्वेशन हो जाएगा, दैट इक्वल m इंटू 1/2 v स्क्वायर, दैट इक्वल टू 1/2 m v स्क्वायर. और मूविंग बॉडी पर जो वर्क होता है वही होता है काइनेटिक एनर्जी, ये कहलाता है इसकी काइनेटिक एनर्जी. क्लियर, तो ये हो गया किसी बॉडी का काइनेटिक एनर्जी, इट्स वैल्यू इज 1/2 एम वी स्क्वायर. बहुत आसान फार्मूला है. तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इसके बाद हम पढ़ते हैं इसमें एक टॉपिक वर्क एनर्जी थ्योरम. वर्क एनर्जी थ्योरम ये क्या है, देखो यही टॉपिक है जो हमने अभी पढ़ा है, वर्क एनर्जी थ्योरम के नाम से हम जानते हैं इसको. वर्क एनर्जी थ्योरम, अभी हमने कंसीडर किया कि सपोज बॉडी का वेलोसिटी वी था, लेकिन उसमें फोर्स अप्लाई किया रिटार्डेशन और बॉडी को रेस्ट कंडीशन में हमने ला दिया. लेकिन सपोज कोई बॉडी कंटिन्यूअस मूविंग कंडीशन में है, ओनली इट्स वेलोसिटी विल बी चेंज, इनिशियल इज एंड फाइनल वेलोसिटी आर डिफरेंट. क्लियर, देन दैट कंडीशन लेट अस कंसीडर इस इनिशियल वेलोसिटी इज, यहां हम कंसीडर कर लेते हैं सपोज कि इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है
इनिशियल वेलोसिटी इज u, फाइनल वेलोसिटी इज v, मास इज m, एक्सेलरेशन इज a, अप्लाइड फोर्स इज सपोज f, डिस्प्लेसमेंट d एंड सो ऑन। पूरे वेरिएबल्स को हमको सबसे पहले कंसीडर करना है और स्टेप्स वही हैं बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेम टू सेम वही काम जो हमने अभी किया है, बस इसमें फाइनल वेलोसिटी को जीरो लिया था, यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी जीरो नहीं है। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करें, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। देयरफॉर सपोज फाइनल वेलोसिटी इज वी स्क्वायर, इनिशियल इज यू, यू स्क्वायर, क्लियर, और रिटार्डेशन हो रहा है तो माइनस टू ए डी। दैट इम्प्लाइज या एक्सेलरेशन हो रहा है तो प्लस ले सकते हैं, उससे कुछ नहीं, कुछ भी ले सकते हैं आप, एक्सेलरेशन सपोज हो रहा है क्या। तो देयरफॉर यहां से भी ए डी का वैल्यू हम फाइंड करें तो टू ए डी इक्वल वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, देयरफॉर ए डी इक्वल वन अपॉन टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, क्लियर। नाउ वर्क डन, W इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। नाउ पुट अप द वैल्यू ऑफ AD, AD का वैल्यू यहाँ से पुट अप कर देते हैं तो हो जाएगा वन अप एम वन अपॉइंट टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, दैट इक्वल वन अपॉइंट टू एम वी स्क्वायर माइनस वन अपॉइंट टू एम यू स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड वर्क एनर्जी थ्योरम। कहने का मतलब यह है कि हम यहाँ पर जो वर्क करते हैं, ये जो हमारा अमाउंट ऑफ वर्क है, यह चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क, अमाउंट ऑफ डूइंग वर्क, एंड इट इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट मीन्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, द अमाउंट ऑफ डूइंग वर्क ऑन एनी बॉडी इज ऑलवेज, मूविंग बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू देयर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट मीन्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इट इज कॉल्ड वर्क एनर्जी थ्योरम। तो अभी हमने पहला जो डिराइव किया बिल्कुल वैसी स्टेप्स वैसी हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम के नाम से इसको जाना जाता है। इसके बाद जो टॉपिक हम इसमें पढ़ने वाले हैं वो इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो है थ्योरम है एक, दैट मीन्स, अच्छा उससे पहले मैं एक टॉपिक आपको और पढ़ा दूँ फिर वो पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह है रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। ये एक ऐसा टॉपिक है इसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन कवर होते हैं, बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन इसे बहुत से क्वेश्चन कवर होते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे मोमेंटम जो हमने लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा था P इक्वल टू एम इन टू वी और काइनेटिक एनर्जी में किस तरह का रिलेशन होता है। देखो सिंस मोमेंटम P इक्वल टू एम इन टू वी, देयरफॉर वी इक्वल टू पी अपॉन एम। मोमेंटम से हम पहले वेलोसिटी का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं एंड काइनेटिक एनर्जी, एंड काइनेटिक एनर्जी इक्वल वन अपॉन टू एम वी स्क्वेयर। नाउ काइनेटिक एनर्जी को हम चेंज कर लेते हैं वन अपॉन टू एम, ठीक है, इसको मैंने सिर्फ अब ई कह दिया, सपोज ई इक्वल टू वन अपॉन टू एम और वी का वैल्यू यहाँ से ला के पुट अप कर दो पी अपॉन एम होल स्क्वेयर, ओके। दैट इम्प्लाइज एनर्जी इक्वल 1/2, यहाँ से आप देखो एक एम इसके साथ में कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा पी स्क्वायर अपॉन एम, पी स्क्वायर अपॉन एम, देयरफॉर पी स्क्वायर इक्वल टू टू एम इंटू ई, हमने डिनोमिनेटर को उधर ट्रांसफर कर दिया। नाउ पी इक्वल टू रूट ऑफ टू एम ई। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है और इस रिलेशन पर बहुत से न्यूमेरिकल्स बनते हैं, खासकर परसेंटेज इंक्रीजेस। इफ काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज 2% देन मोमेंटम विल बी, इफ मोमेंटम इंक्रीजेस 50% देन काइनेटिक एनर्जी विल बी। इस पर न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप हमेशा ध्यान में रखना। स्पेशली मैं यहाँ से आपको हाईलाइट कर दूँ कि न्यूमेरिकल्स के अलग से आप
जो मेरे वीडियो देखेंगे वहाँ पर इस पर बेस्ड मैं आपको बहुत से क्वेश्चन कराऊंगा। देखिए ये जो मेरा क्लास होता है वो फाउंडेशन का क्लास है, फाउंडेशन कोर्स है, और इस पर मैं कम्प्लीटली कॉन्सेप्ट फाउंडेशन को एक्सप्लेन करता हूँ। न्यूमेरिकल्स के अलग से वीडियो बनते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए, जो मैंने कई बार आपको बताया कि अभी हमारा एक और नया चैनल बिल्कुल रिसेंटली, हो सके जनवरी 1 को आपको आएगा, उसमें नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, उसमें मैं कम्प्लीटली नीट और IIT JEE के बेस पर क्वेश्चन कराऊंगा। मतलब वो टोटल फोकस्ड होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स पर। तो आप फाउंडेशन क्लास से ये सब चीज़, क्योंकि देखो बहुत से स्टूडेंट्स का डिमांड है कि सर आप इसके साथ न्यूमेरिकल कराइए, इसके साथ में मल्टीपल चॉइस कराइए। तो ऐसा करने से क्या होता है, एक ही साथ बहुत से टॉपिक मिक्सअप हो जाते हैं और प्रॉब्लम होता है। इसलिए मैं उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। एक पार्ट में आप उसके बेसिक फाउंडेशन पढ़ेंगे, दैट मीन्स मेरा जो ओरिजिन कोचिंग का चैनल है उसमें आप कम्प्लीटली बेसिक फाउंडेशन पढ़ेंगे, और जो कॉम्पिटिटिव का जो चैनल आने वाला है उसमें आप कम्प्लीटली IIT JEE नीट या CDS NDA बहुत से एग्जाम को कवर करके हम पढ़ाएंगे, वो होगा। तो वो आप ध्यान में रखेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स मैं सब उसमें कराऊंगा और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के पैटर्न पर। तो उससे आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। आप यहाँ से फाउंडेशन क्लियर करिए और वहाँ पर जाके उसको क्वेश्चन करिए कॉम्पिटिटिव के लिए। तो 2 पार्ट में हम उसको पढ़ेंगे, आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो इस पर न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक फाउंडेशन आप यहाँ से क्लियर करिए। ओके, देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो है टोटल एनर्जी ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, टोटल एनर्जी ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। फ्रीली फॉलिंग बॉडी का टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, दैट मीन्स इफ ए बॉडी फ्रीली फॉल फ्रॉम एनी हाइट देन इट्स टोटल एनर्जी विल बी कॉन्स्टेंट एट एनी पॉइंट। यदि कोई बॉडी फ्रीली फॉलिंग हो रहा हो तो वो अर्थ के सरफेस के आते तक, ग्राउंड के आते तक किसी भी पॉइंट पर उसका जो टोटल एनर्जी होता है वह कॉन्स्टेंट होता है और वह mg के इक्वल होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है, टोटल एनर्जी ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। इसको हमको यहाँ पर डिराइव करना है कि किस तरह से होता है। देखिए पहले इसके लिए हम एक फिगर ड्रा कर लें। सपोज ये ग्राउंड सरफेस है और ग्राउंड सरफेस से हमने किसी बॉडी को यहाँ पर ड्रॉप किया। ये कोई ऑब्जेक्ट है, ए पोजीशन पर है, यहाँ से फ्रीली फॉलिंग है, इसका बीच में कहीं पर एक पोजीशन ले लिया और ये लास्ट पोजीशन है ग्राउंड सरफेस पर। क्लियर, ये ग्राउंड है। टोटल इसका जो हाइट है वो सपोज एच है फ्रॉम ग्राउंड, ये एच हाइट है इसका। ये इस बॉडी का सपोज ए पोजीशन है, ये बी पोजीशन है, ये सी पोजीशन है। सपोज ए पोजीशन पर रेस्ट कंडीशन में है और ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो सपोज हमने एक्स लिया, तो रिमेनिंग डिस्टेंस जो होगा वो हो जाएगा एच माइनस एक्स, क्योंकि टोटल हाइट कितना है, एच है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर हम इसके एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। फिर यहाँ पर हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी अनअकैडमी लेके आया है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के क्लास 9th और 10th के स्टूडेंट्स के लिए एक कोर्स जिसमें आपके सभी विषय की पढ़ाई होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस कोर्स का जो फी है 2500 वो सिर्फ आपको 99 रुपीज़ में मिलेगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको हमारा रेफरल कोड यूज़ करना होगा जो है जितेंद्र सर लाइव। ये कोड आप यूज़ करेंगे तो 2500 का कोर्स आपको सिर्फ 99 रुपीज़ में मिलेगा। देखिए इस कोर्स की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो ये है कि आपको ये कोर्स 3 लैंग्वेज में प्रोवाइड किया जाएगा, इंग्लिश में, हिंदी में और साथ ही मराठी लैंग्वेज में भी। महाराष्ट्र के टॉप एजुकेटर्स आपको टीच करेंगे और आपको बेस्ट टीचिंग फैकल्टी मिलेगा, फ्री टेस्ट सीरीज मिलेगा, रिवीजन बैचेस मिलेंगे, क्रैश कोर्स होगा और सबसे अच्छी बात आपके डाउट क्लियरिंग सेशन के लिए लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन होगा और आपको प्रीवियस ईयर के महाराष्ट्र बोर्ड के क्वेश्चन पेपर भी तैयार कराए जाएंगे।
अब आपको करना क्या है, आपको हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा और आप वहां पर अनअकैडमी के ऐप डाउनलोड करके इस लिंक के थ्रू आप इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जो आपके लिए बहुत बेस्ट है। ओके, थैंक यू। हम शो करेंगे कि टोटल एनर्जी किसी भी पोजीशन पर कितना है, तो एक एक पॉइंट पर हम यहां पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले एट पॉइंट ए, सपोज पॉइंट ए पर हम कैलकुलेट करें, जो भी है हम पॉइंट ए पर कैलकुलेट कर रहे हैं। एट पॉइंट ए इट्स पोटेंशियल एनर्जी इक्वल, अभी ग्राउंड सरफेस से इसका हाइट कितना है, एच है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, एम जी एच, एंड काइनेटिक एनर्जी इज जीरो, क्योंकि अभी बॉडी वहां पर क्या है, रेस्ट कंडीशन में है। एट दैट कंडीशन इट्स वेलोसिटी जीरो, दैट मीन्स इनिशियली इट विल बी इन रेस्ट कंडीशन। देयरफॉर टोटल एनर्जी, अब यहां पर हम निकाल लें टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, दैट इज एम जी एच प्लस जीरो, दैट इक्वल एम जी एच, सपोज दिस इज रिलेशन नंबर फर्स्ट, ये हमने निकाल लिया पॉइंट ए पर टोटल एनर्जी, ठीक, क्लियर। अब हम निकाल लेते हैं एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी, बी पॉइंट पर हम कैलकुलेशन करें, तो बी पॉइंट पर आप देखो जब यह बॉडी बी पॉइंट पर पहुंचेगा तो उस कंडीशन में, अब वो मूविंग कंडीशन में रहेगा, तो हमको यहां पर इसका वेलोसिटी फाइंड करना होगा कि बी पॉइंट पर जब पहुंचता है तो उसका वेलोसिटी क्या होता है। तो यहां पर हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, सबसे पहले बाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, पहले तो मैं इसका पोटेंशियल एनर्जी निकाल लूं, ठीक है, एक ही मतलब है, किसी को भी पहले निकालो। सबसे पहले मैंने निकाल लिया पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, देखो ये ग्राउंड है, अब ग्राउंड से इसका हाइट कितना है, एच माइनस एक्स, तो एम जी एच माइनस एक्स, एम जी एच माइनस एक्स, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने के लिए हमको क्या चाहिए, इट्स वेलोसिटी एट पॉइंट बी, सिंस बॉडी इज कंटिन्यूअस इन मूविंग कंडीशन, देन एट बी पोजिशन इट्स वेलोसिटी, पहले हमको वहां पर वेलोसिटी निकालना पड़ेगा कि बी पॉइंट पर रेस्ट में तो नहीं है, वो कंटिन्यूअस मोशन में है, तो बी पॉइंट पर वेलोसिटी हम फाइंड करेंगे और वहां पर जो वेलोसिटी होगा उसके अकॉर्डिंग वहां पर काइनेटिक एनर्जी निकलेगा। तो हम यहां पर अप्लाई करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, बाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, देयरफॉर एट बी पॉइंट इट्स वेलोसिटी इज सपोज वी, इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो बिकॉज इनिशियली इट विल बी इन रेस्ट कंडीशन, तो जीरो प्लस टू एसलरेशन इज ग्रेविटेशनल एसलरेशन एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाई द बॉडी इज एक्स, दिस इज एक्स डिस्टेंस, एक्स डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, तो ये देयरफॉर ये हो जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू टू जी एक्स, देयरफॉर इट्स काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर एंड दैट इक्वल वन अपॉइंट टू एम एंड द वैल्यू ऑफ वी स्क्वायर इज टू जी एक्स, यहाँ पर टू टू कैंसिल आउट हो जाएगा और अपने को मिल जाएगा एम जी एक्स। ये हमने देखो यहाँ पर निकाल लिया, ये निकाला है पोटेंशियल एनर्जी और ये निकाला काइनेटिक एनर्जी, सम करेंगे तो क्या निकल जाएगा, टोटल एनर्जी निकल जाएगा, क्लियर। तो दोनों को सम करके हम टोटल एनर्जी फाइंड कर सकते हैं यहां पर, यहां पर इसका हमको जरूरत है, तो मैं मूव कर दिया ये पोजीशन को, इसका हमको जरूरत है, ठीक है, तो यहां पर मैंने इसको मूव करके नेक्स्ट पेज के बजाय मैं मूव कर रहा हूं, तो आपको आपको इक्वेशन दिखे, डिजिटल बोर्ड इसीलिए तो आपको ये लगाया ना कि आपको पढ़ने में फैसिलिटी अच्छी मिले। देखो हमको नेक्स्ट पेज में फिर जाके, या हमारा व्हाइट बोर्ड होता है तो हम कंप्लीट उसको इरेज करते हैं, फिर वो चला जाता है, तो यहाँ पर मैंने ये वाले पोर्शन को साइड में लाया और फिर इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर वर्क करेंगे। ओके, चलिए, तो अब यहाँ पर हम निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी, देयरफॉर टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दैट मीन्स एम जी एच माइनस एक्स प्लस काइनेटिक एनर्जी इज एम जी एक्स, दैट इक्वल एम जी एच माइनस एम जी एक्स, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस एम जी एक्स, ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे,
ये दोनों के कैंसल आउट होने से हमको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, एम जी एच, दिस इज सपोज रिलेशन नंबर सेकंड। क्लियर। अब हमने दो पॉइंट पर कैलकुलेट कर लिया, ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर। अब हम कैलकुलेट करते हैं कहां पर, सी पॉइंट पर। नाउ एट पॉइंट सी, सी पॉइंट पर चले जाते हैं। तो सी पॉइंट पर क्या है, देखो पोजीशन क्या है सी पॉइंट पर, यहां देखो ये सी पॉइंट है, और सी पॉइंट पर जब बॉडी यहां पहुंचेगा तो इसका हाइट जीरो हो गया। यहां पर पहुंच के क्या होगा, इसका हाइट जीरो हो जाएगा। चलो तो समझ गए आप, यहां लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से आप देखो ये पोजीशन सी पॉइंट पर हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो सी पॉइंट पर जब हम कैलकुलेट करेंगे तो नाउ एट पॉइंट सी पोटेंशियल एनर्जी इक्वल जीरो। क्यों, क्योंकि ग्राउंड में आ गया वो। काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने के लिए फिर इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे अपन, बाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दें, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, देयरफॉर फाइनल वेलोसिटी इज वी स्क्वायर, इनिशियल इज जीरो प्लस टू जी, और इनिशियल पोजिशन से एच हाइट नीचे आ गया तो हो जाएगा एच। क्लियर। Therefore, V square equal to 2GH. Therefore, its kinetic energy equal to 1/2 mv square. That equal 1/2 m. और V के वैल्यू को V square वैल्यू हम पुट अप कर देते हैं 2GH. That equal ये होगा 2 कैंसिल हो जाएगा तो mgh. Therefore, total energy equal to 0 plus mgh. क्योंकि potential energy 0 है और ये हो जाएगा एम जी एच, दिस इज रिलेशन नंबर थर्ड। देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड टोटल एनर्जी इज ऑलवेज एम जी एच। देखो आप यहां से देखो तीनों पोजीशन पर, आप देखो ये है फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन पर टोटल एनर्जी एम जी एच है। सेकंड पोजीशन पर आप देखो ये सेकंड पोजीशन है, सेकंड पोजीशन पर टोटल एनर्जी क्या है, इसको मैं थोड़ा छोटा करके आपको दिखा दिया, इस तरह से दिख तो रहा होगा इतना आपको। तो फर्स्ट पोजीशन पर एम जी एच है, एट पॉइंट बी एम जी एच एंड एट पॉइंट सी इट विल बी एम जी एच। फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड टोटल एनर्जी इज एम जी एच। तो यहाँ से प्रूफ होता है क्या कि किसी भी पॉइंट पर, ठीक है, किसी भी पॉइंट पर, इतना तो आपको दिख रहा होगा ना क्लियर, ये तीनों इक्वेशन एक साथ आ जाए करके मैं इसको कर रहा हूं ये, ओके। तो देखो आप यहां पर टोटल एनर्जी क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। दस इट इज क्लियर दैट फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी एट एवरी पॉइंट इच पॉइंट टोटल एनर्जी विल बी ऑलवेज कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू इज एम जी एच। दिस इज द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ द एनर्जी एंड इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो एनर्जी नेवर कैन बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ओनली इट्स फॉर्म विल बी चेंज। दिस इज द प्रूफ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कि हर पॉइंट पर देखो क्या हो रहा है, जिस रेशियो पर उसका काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होता है उस रेशियो पर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाता है, या काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज इंक्रीज होता है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाता है, और टोटल वो हमेशा क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। टोटल यहाँ पर आप देख रहे हो वो कांस्टेंट होता है। क्लियर। यहाँ पर आप देखो ये टोटल एनर्जी यहाँ कांस्टेंट है, टोटल एनर्जी यहाँ पर एम जी एच है, और टोटल एनर्जी यहाँ पर भी एम जी एच है। तो देखो अब आपको धीरे धीरे डिजिटल बोर्ड पर पढ़ने का मज़ा आ रहा होगा। देखो मैंने सबको पहले अलग अलग पढ़ाया पार्ट पार्ट में, राइटिंग बड़ा करके फिर मैं मूव कर दिया, बगल में इक्वेशन को रखा, फिर पूरा इक्वेशन मेरा एक साथ बोर्ड में आ गया, इससे आप कंपेटिवली पढ़ पा रहे हैं। तो मैंने थोड़ा डिले किया आप लोग का कोर्स थोड़ा एडवांस करने के लिए, अपने काम को, अपने पूरे स्टूडियो को, आप लोगों ने कोऑपरेट भी किया, पेशेंस के साथ में तैयार किया। अब आपको बहुत तेज़ी से वीडियो मिलेगा और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके एग्ज़ाम से पहले, वैसे मेरा पूरा फोकस पहले 12th क्लास पर था, बोर्ड एग्ज़ाम है, जल्दी एग्ज़ाम है, आप होम एग्जामिनेशन के स्टूडेंट हो, लेकिन मैं आपका कोर्स भी टाइम में पूरा कर दूंगा न्यूमेरिकल्स के साथ। और दूसरे चैनल का आप वेट करिए जिसमें मैं कम्प्लीटली बेसिक फाउंडेशन के साथ मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को आपको कराऊंगा,
Farnit IIT NDA and so on. Okay, thank you.